क्या आप लोग अपनी बोरिंग टीवी चला चला गए, बोर हो चुके हो और कुछ नई टीवी इस दिवाली में आप परचेस करना चाहते हो कि नई दिवाली में इस दिवाली में कुछ नया खरीदने का चाहते हो और नई टीवी लेना चाहते हो और आप चाहते हो भाई कौन सी टीवी ली जाए, टीवी को लेकर आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इमरान शेख लेकर आया हूँ वॉइस कंपनी की बिल्कुल नई ब्रांडेड स्मार्ट टीवी। जी हाँ, इस टीवी के अंदर आपको नेटफ्लिक्स मिलेगा फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स जो आप मोबाइल में चलाते हो भाई, छोटी स्क्रीन में चलाते हो, लेकिन इस टीवी में आपको नेटफ्लिक्स मिलेगा और हम सबकी पसंद यूट्यूब मिलेगा और अमेजोन प्राइम मिलेगा और साथ साथ 32 इंच की हमारी ये टीवी है स्टार रेटिंग। फ़ोन के अंदर देखते थे वो सारे फीचर्स अब आपको इस टीवी के अंदर देखेंगे। तो इस टीवी को हम लोगों ने हाल ही में परचेस किया है फ्रेंड्स। टीवी जो है वो दीवार पर लग चुकी है और लगने के बाद भाई बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर्स उसके हैं, तो सारे फ्यूचर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ साथ दीवार पे लगी हुई टीवी मैं आपको दिखाऊंगा। टीवी एक दिन पहले ही अनबॉक्सिंग हो चुकी थी, मैं हालांकि नहीं पहुंच पाया था, मैं नहीं आ पाया था, लेकिन टीवी अनबॉक्सिंग हो चुकी थी और टीवी जो है दीवार पे लग चुकी थी। मैंने सोचा क्यों ना हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए और उनको बताया जाए कि इस दीवार ये स्टैंड हमें दिए गए हैं टीवी के नीचे लगाने के लिए, ये स्टैंड आप लोगों को मिल जाएंगे टीवी के नीचे लगाने के लिए, लेकिन हमें तो इन स्टैंड की ज़रूरत पड़ी नहीं है। चूँकि और टीवी ऑन होने के साथ ही आप देख सकते हैं वॉइस कंपनी का लिखकर आगे लोगो आ चुका है और अभी धीरे धीरे टीवी हमारी ऑन हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर वही बेसिक डॉल्बी साउंड, गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और कनेक्टिव दी गई है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी टीवी ऑन हो रही है, गूगल आके लिख के आ चुका है, देखिए गूगल लिख के आ चुका है फ्रेंड्स, ये गूगल लिख कर आ चुका है देखिए आप लोग। और भाई टीवी की पिक्चर क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा, साउंड क्वालिटी तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आता है। देखिए आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाऊंगा, अभी टीवी हमारी ऑन हो रही है, मैं आपको इसके अलग अलग फीचर्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसके फीचर्स चल रहे हैं, आपको नीचे आपको ट्रेंडिंग वीडियो, ट्रेंडिंग मूवीज दिख जाएगी, जो भी मूवी अभी ट्रेंड पे चल रही है वो सब आपको दिख जाएगी। देखिए मूवी आप लोगों को इसके अंदर मूवी जो आपकी चल रही है वो आप लोगों को सब इसके अंदर दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, Zee5, MX प्लेयर, एप्पल, ये सारे फीचर्स जो आपको इसके अंदर दिख जाएंगे, Zee5, ये सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे। वाईफाई कनेक्टिव आपको दिख जाएगी, तो वाईफाई, और यहाँ पर आप पूरी जो टीवी की सेटिंग है वो आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो मूवी है वो चल रही है ट्रेंडिंग पर, तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाते हैं। देखिए सेटिंग में अभी हम लोग गए हैं, तो सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको वाईफाई में जाना है, वाईफाई में जाकर आपको अपना कनेक्ट करना है, जो आपका ईमेल आईडी होगा वो आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो वाईफाई पासवर्ड इसके अंदर डाल के अपनी टीवी को वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको नीचे देखिए फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी सेटिंग हो जाएगा और इसके बाद मैं आपको अभी आगे लेके चलूँगा। तो ये आपका पूरा सेटिंग एरिया है, टीवी का सेटिंग एरिया है, देखिए ये हमारे रिमोट का सेटिंग एरिया, और आप लोग अपने मोबाइल से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लूटूथ के जरिए फ्रेंड्स आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, देखिए ब्लूटूथ के जरिए इस तरीके से आप अपने टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये वाईफाई रिमोट है, ये रिमोट मोड यहाँ पर दिया गया, देखिए। तो चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं अभी, तो बाहर आने के बाद यहाँ पर आपको फीचर्स दिखेगा, देखिए यहाँ आपको Zee5 और सब कुछ दिखेगा। देख सकते हैं आप लोग, देखिए नीचे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए अभी हमारा YouTube खुल चुका है फ्रेंड्स, और पिक्चर क्वालिटी भी फ्रेंड मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी वॉइस की टीवी की पिक्चर क्वालिटी जो है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और आप लोग देख सकते हैं कितना क्लियर ये पिक्चर क्वालिटी दिख रहा है। और आप अपने हिसाब से टीवी के अंदर जो क्लैरिटी है वो सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से वीडियो का जो मोड है उसे सेटिंग कर सकते हैं। टीवी में और भी कमाल के फीचर्स हैं, जैसे कि आप 8K वीडियो देख रहे हैं, 4K वीडियो मैंने आपको दिखाया, और आप अपने हिसाब से सेटिंग में सेट करके क्लैरिटी सेट कर सकते हैं। ये लद्दाख का सीन आप लोग देख रहे हैं, कितने खूबसूरत सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ पहाड़ों का, और ऐसे ही आप अपनी मूवीज़ को, सीरियल्स को, और 15 तारीख को होने वाले मैच को एंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर। बेजस वॉइस की इस टीवी बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल टीवी, आप
आपके टीवी एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी और आप ये टीवी परचेस कर सकते हैं। चलिए टीवी के और फीचर्स में, ट्रेंडिंग मूवी मिल जाएगी, जो मूवी अभी ट्रेंड पर चल रही है वो सब आपको दिख जाएगी, देखिए। और फंक्शन जो है वो काफ़ी आसानी से आप इसे काफ़ी दूर से बैठकर अभी आप लोग इसे रिमोट से काफ़ी दूर बैठने के बाद भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये 360 डिग्री एंगल रिमोट है, 360 डिग्री एंगल रिमोट है जिसे आप और रेफरेंस, ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। देखिए टीवी के सभी अलग अलग फंक्शन को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखें। ये हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए इसका सीट बीट देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा। टेबल दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको टेबल दिया। और ये मेरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए पिक्चर क्वालिटी कितनी बढ़िया है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है फ्रेंड्स इसकी। तो आइए अलग अलग फंक्शन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना फास्ट ये रिमोट कैच करता है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। और यहाँ पर आपको सेटिंग एरिया दिख जाएगा जहाँ से आप आराम से सेटिंग कर सकते हैं इसका। फ्रेंड टीवी की तो बहुत सारी बातें हो गई, चलिए टीवी के रिमोट की थोड़ी बात करें। तो यहाँ आपको ऑन ऑफ का बटन दिया जाएगा, यहाँ पर आपको प्रोफाइल का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाएगा। तो देखिए इमरान शेख ट्रेन वीडियो। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने बोला, देखिए यहाँ पे पेज खुल गया मेरे चैनल का, मेरे चैनल का पेज खुल गया। यहाँ पर आपको सेटिंग एरिया मिल जाएगा और ये आपको लेफ़्ट राइट का बटन मिल जाएगा, देखिए यहाँ आपको लेफ़्ट राइट का बटन मिल जाएगा, अप डाउन का बटन आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे यार आपको अलग, ये देखिए फिर मैं अपने होम पर आ गया, यानी कि जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहाँ पर आ गया। और ये सेट टॉप बॉक्स मोड है, लेकिन हमारे पास सेट टॉप बॉक्स है नहीं, तो हम इसे गूगल से कनेक्ट करके चला रहे, तो हमें सेट टॉप बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस यानी कि आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूट करने के लिए बटन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप आवाज़ म्यूट कर सकते हो। तो फ्रेंड कोई भी चीज़ अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ बटन दिएगा, बाकी नीचे बेसिक और अमेजोन प्राइम Netflix सारी चीज़ें दी गई, यूट्यूब सारी चीज़ें दी गई। और ये वॉइस का रिमोट है, तो रिमोट स्मार्ट है, टीवी भी स्मार्ट है। बस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। अगर आप लोग इस टीवी को अगर आप लोग इस टीवी का अगर